हेलो फ्रेंड्स, आपके लाइव टेस्ट का टाइम हो चुका है, तो आप लोग ऑनलाइन आकर के एक मैसेज सेंड कीजिए जिससे हम लोग अपने आज के लाइव सेशन को कंटिन्यू कर पाएँ। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, और स्पीड टेस्ट से आपकी स्पीड भी अच्छी हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे एक मैसेज सेंड कीजिए। जो लोग न्यू हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। हाय सपना जी, प्रकाश जी, हाउ आर यू? प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपकी। चलिए अब हम लोग अपने आज के लाइव टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पोयम एंड्स आई शेल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ? सो विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाउ डू आई लव दी? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच पोएट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, विच पोएट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीक? सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वायरोन। हाय अंशु जी, हाय, हेलो एवरीवन। ये 1 आवर स्पीड टेस्ट है, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और इसके पहले भी कुछ, आज मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसे आप जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग से संबंधित क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन हैं, सो आप लोग देख लीजिएगा। आज की वीडियोज में भी 50 क्वेश्चन लिटरेचर एंड 50 क्वेश्चन ग्रामर के हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बायरन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच काइंड ऑफ पोयम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विद? क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉनसेंस। क्वेश्चन नंबर फोर, फ्रेंड्स ज़्यादा जल्दी हो तो आप लोग मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, या प्रॉपर आप लोगों को सही दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप प्लीज़ एक मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, इन कॉलरिज पोयम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वेयर वेयर द थ्री आइलैंड्स गोइंग? सो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ वेडिंग। हैरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लूम? परफेक्ट मैनर्स, क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, T.S. इलियट। अबाउट इमाइली डिकेंसन? क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी रेयरली लेफ्ट होम। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेवन, रूपर्ट ब्रूक रोट हिज पोएट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट? क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्वेश्चन नंबर एट, विच पोएट ल्यूरेट रोट अबाउट अ चर्च माउस? क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेड जेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन, विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रुथ इन
1996। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माया एंग्लियो। फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट अबाउट द इडियलिक इजले ऑफ इंस फ्री। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू वी ईट्स। क्वेश्चन नंबर 11, अ पैटर्न ऑफ एशेंडेट एंड अनएशेंडेड स्लेवल इन लाइंस ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीटर। एसेंटेड एंड अनएसेंटेड स्लेवस की लाइन के बारे में इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रिपीटिशन ऑफ 12, 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइम्स। फ्रेंड्स इस लिंक को ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे और भी फ्रेंड्स आकर के, हाय अनिल जी हेलो, और भी फ्रेंड्स आकर के इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। तो प्लीज़ आप लिंक को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइम्स। एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिटरेशन। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग अ वर्ड ऑफ कंपैरिजन सच एज लाइक और एज। क्वेश्चन नंबर 15, 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 16, द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिमली। क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनोमोटोपोया। क्वेश्चन नंबर 18, अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द फाइव सेंस। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमेजरी। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन दैट टेल्स अ स्टोरी विथ प्लॉट सेटिंग एंड करेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेटिव। क्वेश्चन नंबर 20, अ पोयम विद नो मीटर और राइम। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्री वर्स। क्वेश्चन नंबर 21, अ पोयम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम। फ्रेंड्स जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए सो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिरिक। 21 का करेक्ट आंसर है लिरिक। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, सेल्विया प्लाथ
मैरिड विच इंग्लिश पोएट? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होश। 23 कार्ल सैंडबर्ग प्लंग्ड व्हाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी? क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वॉर। प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है, आप लोगों के ऑप्शन बढ़िया है, अच्छा भी अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट वाज बोर्न आइसलैंड इन 1819? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्ट व्हाइट मैन। क्वेश्चन वाज द फर्स्ट बुक ऑफ पोयम पब्लिश्ड बाई विच पोएटेस? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्विया प्लाथ। क्वेश्चन नंबर 26, इन हिज पोयम कीपलिंग सेड इफ यू कैन मीट विद ट्रम्फ एंड। 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिसेस्टर। डिसेस्टर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस एंड यूज्ड फॉर एस्थेटिक इफेक्ट इन पोइट्री? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 28, हु रोट द पोयम्स ऑन डेथ एंड बोमैन वाइन एंड स्नफ? 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम? अर्लीस्ट सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम बताना है फ्रेंड्स आपको, सर्वाइविंग यूरोपियन पोएम के बारे में, तो प्लीज आप लोग ऑप्शन से मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द होम रेप इक पिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट्रिक ट्रेडिशन? थर्टी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकल्ट। क्वेश्चन नंबर डालिए श्याम मिलन जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया अमृता जी, क्या प्रॉब्लम हुई आपकी? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट्रिक ट्रेडिशन? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देख क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोएट्री मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 31, 31 का करेक्ट आंसर है प्रोजोडी। क्वेश्चन नंबर 32, कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स? क्वेश्चन नंबर 32, सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी, आयम्बिक पेंटामीटर। नंबर विच पोएट इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द
वेरिएबल फुट इन पोइट्री। तो 33 है ऑप्शन नंबर ए, विलियम कार्लोस विलियम। फोर, हु रोड दिस फेमस लाइन, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो करेक्ट आंसर 34 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएट्रिक फॉर्म द फोक वैलेड डेट। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द 12th। फिर देखिए अगला है 36, फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज दिस फेमस लाइन, डिड माई हार्ट लव टिल नाउ, फॉर वियर इट शाइट ऑफ लिव, फॉर आई नेवर सा अ ट्रू ब्यूटी अंटिल दिस नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोमियो एंड जूलियट। व्हाट इज अ पोयम कॉल्ड हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड। 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्रोस्टिक। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल लॉन्ग शाइन इज अ फेमस पोयम बाई हूम। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट बर्न्स। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अ पोएट ऑफ मिडिलनेस। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, द कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू अ ग्रुप हु इमर्ज्ड व्हेन। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द 1960। फ्रेंड्स लिंक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को ग्रुप में, जिससे वो भी आकर के इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन कर पाए। क्वेश्चन नंबर 41, मार्गरेट एटवुड वाज बोर्न इन विच कैनाडियन सिटी। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओटोवा। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ हाई मॉडर्न लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 43, विच वेल्स पोएट रोट अंडर मिल्क वुड। 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायलेन थॉमस। क्वेश्चन नंबर 44,
हु रोट सेंटर ब्यूरी टेल्स? 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉफ्री चौशर। क्वेश्चन नंबर 45, हु रोट द हाउंड ऑफ बेस्क्रिविलेज? सो 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थर कॉनियन डॉयल। क्वेश्चन नंबर 46, विलियम शेक्सपियर इज नॉट द ऑथर ऑफ? 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइट डेविल। क्वेश्चन नंबर 47, ब्लैंक स्पेस इज अ लेट 20th सेंचुरी प्ले रिटन बाई अ वोमैन। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केमाइल। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोट हिस्टोरिकल नॉवेल्स? 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर वॉल्टर स्कॉट एंड मैरिया एजवर्थ। क्वेश्चन नंबर 49, हु रोट 10 लिटिल निगर्स? सो 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगाथा क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द वर्ड ऑफ अ प्ले ऑन वर्ड्स? 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पन। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है फ्रेंड्स ग्रामर का, तो इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं, तो देख लेते हैं पहला पोर्शन क्या है। पहला इसका 51 का क्वेश्चन क्या है? 50 है ये एक्टिव और पैसिव है इसमें। तो देखिए, मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा 51 का? सो प्लीज आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जिससे विद इन 1 आवर हम लोग अपने इस 1 आवर लाइव टेस्ट को कंप्लीट कर पाए और आप लोगों को अपनी स्पीड का भी अनुमान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए 52, द टीचर ही टीच अस ग्रामर? 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52 बताइए फ्रेंड्स, 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है 52 का, वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम। क्वेश्चन डालिए रजनी जी। क्वेश्चन नंबर 53, डू यू इमिटेट अदर? क्वेश्चन नंबर 53, 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 54, आई सा हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल? 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई सा द रिहर्सल बीइंग कंडक्टेड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 55, हैव द बॉक्स ब्रोकन? फिफ्टी फोर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और 55 का करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स, 54 का डी एकदम सही आंसर है, 55 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 56, चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल इन बोल्ड? सो बोल्ड लेटर में जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, सो इनका आपको बताना है। फ्रेंड्स जब आप लोग एक्टिव पैसिव देखिएगा तो थोड़ा सा इम्परेटिव भी देख लीजिएगा, उसमें आप लोग हो सकता है मिस्टेक कर दें, तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने जाने से पहले। इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं, लेट वाले सेंटेंस होते हैं, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा आप प्लीज एक बार। 56, 56 देखिए,
56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 57। आफ्टर टॉलरेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन एट द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज दे फाइनली डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सो स्टैंड अप का इधर बताइए क्या होगा। 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंडिकेट। क्वेश्चन नंबर 58, द बॉस शुड नॉट हैव कॉल्ड आवर नेम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स। 58 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब होगा अब्यूज्ड, ए 58। इसके बाद 59 देखिए, लास्ट इवनिंग आई वाज हेल्ड अप एट द मीटिंग। सो हेल्ड अप का करेक्ट आंसर क्या होगा इधर, हेल्ड अप। 59 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिटेन्ड। क्वेश्चन नंबर 60, 60 में स्क्वायर अप देखिए, 60 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, डी, सेटल। 61, सचिन इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। कट आउट से क्या मतलब होगा ये देखिए, इसका 61 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्कस। 61 देखिए, यहाँ पे चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम प्रोवर्ब। क्वेश्चन नंबर 62, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड एडॉप्ट न्यू वंस। क्वेश्चन नंबर 63, अ फेयर क्रैक ऑफ द विप। सो ये ऑप्शन है फ्रेंड्स ए बी, ये यहाँ सी हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है। सो 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ पीरियड ऑफ इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 64, टू टॉक वंस हेड ऑफ। 64 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉक एक्सेसिवली। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, टू रैंगल ओवर एन एसे शेडो। 65 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेक विद सम रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 67, हॉबसन्स चॉइस। 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। 68, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। 68 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू ग्रैपल करेजियसली विद अ डिफिकल्टी दैट लाइज इन आवर वे। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 69 से कंजक्शन है यहाँ पर, कुछ जो क्वेश्चंस है वो मैंने कंजक्शंस के भी लिए हुए हैं। सो आपको यहाँ देखना है, यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है बट इधर दिया हुआ है वंस व्हेनेवर व्हेयरएवर। सो इनमें से कुछ एक यूज होगा, सो आप लोग मुझे बताइएगा कि इनमें से क्या होगा। सिक्सटी नाइन देखिए, आई विजिट द ग्रैंड कैनियन ब्लैंक स्पेस आई गो टू एरिजोना। सो इस तरह आप लोग मुझे बताइए कि 69 में क्या यूज होगा। बिल्कुल सही है, 69 में यूज होगा व्हेन एवर यूज होगा फ्रेंड 69 में। इसके बाद 70 देखिए, 70 में बताइए क्या यूज होगा।
70 में क्या होगा? 70 में वेयर एवर, बिल्कुल जिन्होंने बताया है 70 में वेयर एवर एकदम करेक्ट है, वेयर एवर यूज होगा। 71 में बताइए, सेवेंटी वन का करेक्ट आंसर है इफ, 71 में इफ यूज होगा, बिल्कुल सही है। 72 देखिए, 72, 72 का आंसर बताइए फ्रेंड्स। अमिता जी, प्रतिभा जी, 72 का आंसर बताइए। 72 का करेक्ट आंसर होगा अनलेस। इसके बाद 73, आई कुड नॉट गेट अ सीट, ब्लैंक स्पेस, आई केम अर्ली। सो इधर बताइए क्या होगा यूज। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा THOUGH, दो। बिल्कुल सही है मेघा जी, दो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 में बताइए क्या यूज होगा। 74 में वेदर यूज होगा, वेदर। 75, 75 टू योर वर्क, ब्लैंक स्पेस, यू विल नॉट मेक मिस्टेक। बिल्कुल सो दैट मेघा जी, बिल्कुल करेक्ट है। 76 देखिए, द म्यूजिशियन डिलीवर्ड अराउजिंग परफॉर्मेंस, ब्लैंक स्पेस, दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, दो या एज या वंस, क्या यूज होगा 76 में। 76 में एज बिल्कुल सही है रजनी जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए 77, 77 में सो, बिल्कुल करेक्ट है। 79 में बताइए, 79 में यूज होगा आइदर और यूज होगा 79 में। इसके बाद 80 देखिए, 80 में, 80 का करेक्ट आंसर है वेदर, वेदर और। 81, 81 में ओके। अमृता जी थोड़ा स्लो कर रहे हैं, बिल्कुल बताइए। 80, 80 का बताइए क्या यूज होगा। 80 में नो सूनर, बिल्कुल सही है, नो सूनर देन यूज होगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए 81, 80 में वेदर एकदम करेक्ट था। 81 का बताइए फ्रेंड्स, 81 में नो सूनर देन यूज होगा, बिल्कुल सही। 81 में नो सूनर देन यूज होगा, नॉट वेदर। 82, 82 का बताएं फ्रेंड्स, 82 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बताइए आंसर क्या होगा। एटी टू, एटी टू बिल्कुल बताइए। 82 का करेक्ट आंसर होगा, बट जस्ट एज। 83, 83 बताइए,
83 में यूज होगा इफ ऑब्लिक देन। 84, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ये सारे, लाइव सेशन में या अदर वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत किया करिए। 84 का करेक्ट आंसर होगा बोथ एंड। 84 का करेक्ट आंसर होगा, 83 का फ्रेंड्स इफ और देन होगा और 84 का बोथ एंड। इसके बाद 85, नॉट ओनली बट आल्सो। 84 का बोथ बिल्कुल सही है, 85 का नॉट ओनली बट आल्सो। 86 देखिए, एट्टी सिक्स का होगा एट्टी फाइव में नॉट ओनली बट आल्सो होगा सपना जी। 86 में यूज होगा नॉट बट, नॉट ऑब्लिक बट, नॉट बट बिल्कुल सही है, ग्रामर पोर्शन बढ़िया है। 87 का बताएं फ्रेंड्स, एट्टी सेवन का होगा आइदर और। 88 देखिए, 88 में बताएं क्या यूज होगा। 88 में यूज होगा नाइदर नॉर। 88 में यूज होगा नाइदर नॉर। इसके बाद अगला पोर्शन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट्स, एनी ऑफ द पार्ट्स में कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट हैज एन एरर, सिलेक्ट ऑप्शन डी इफ यू फाइंड नो एरर इन द सेंटेंस, इग्नोर पंक्चुएशन एरर्स इफ एनी। सो फ्रेंड्स ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर पोर्शन में, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इनमें। क्वेश्चन नंबर 89, ये देखिए ये तीन क्वेश्चन हैं आपके डिस्प्ले हो रहे होंगे। 89 में बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। एट्टी नाइन का ए बिल्कुल सही है। 90 में बताइए, 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 91, एज द सेलिब्रेशन वाज गोइंग ऑब्लिक वी नोटिस मिस्टर शर्मा फॉल बैक ऑब्लिक इन हर चेयर गैपिंग फॉर ब्रीथ ऑब्लिक नो एरर। सो बताइए इसमें 91 में क्या होगा। 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 ग्रामर की रूल डिस्कस करने का समय नहीं है फ्रेंड्स, वरना यहाँ पर ग्रामर ग्रामर के कुछ रूल्स भी डिस्कस हो जाते हैं, बट ये हमारा 1 आवर स्पीड लाइव टेस्ट है इसलिए यहाँ कोई डिस्कशन फिलहाल अभी नहीं होगा। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा ए। 92 देखिए, 92 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही होगा। बाई बिफोर एंड यूज होगा यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए सी यू एंड आई नहीं होगा, इसका फॉर्म आप लोगों को पता होगा, 231 पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, तो 231 में यू सी एंड आई आता है। ओके फ्रेंड्स, यू सी एंड आई आता है, बट हम लोग अभी फिलहाल यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 1 आवर स्पीड टेस्ट है। अगला पोर्शन देखिए, चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुली एंड अप्रोप्रिएटली। सो 94 देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पढ़ लीजिए इसका क्या दिया हुआ है नोट में, मीनिंगफुल अप्रोप्रिएट सेंटेंस बताना है यहाँ पे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जिसकी। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 95, एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है फ्रेंड्स आपको। 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंसस। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कॉमा क्लैरिटी ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स लॉस कॉमा लेस ब्लैंक स्पेस बाई स्टेट एंड मिनिमम रेस्ट्रिक्शन और रेगुलेशन आर द की टेकवेज फ्रॉम द स्टार्टअप लंच। क्वेश्चन नंबर 96, 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 97, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पॉपुलरली नोन एज LLP कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ बोथ द कंपनी एंड पार्टनरशिप इनटू अ सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफर्स अ ब्लैंक स्पेस स्ट्रक्चर। 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 98, द ई कॉमर्स मार्केट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली एंड एवलप एज अ लीडिंग सोर्स ऑफ द मच नीडेड फॉरेन रिक्वायर्ड बाई आवर इकोनॉमी। 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इसका नोट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू रिप्लेस द हाईलाइट फ्रेज एंड मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट, इग्नोर पंक्चुएशन एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर 99, इफ यू डू नॉट फिनिश योर प्रेजेंटेशन कॉमा द मैनेजर इज गोइंग टू गिव यू अ लास्ट टाइम। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन नंबर का करेक्ट क्वेश्चन हो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सॉफ्ट हार्ड टाइम, हार्ड टाइम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारे आज के लाइव सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लोगों का एग्जाम होगा बेहतर होगा, मुझे पूरा विश्वास है, आप लोगों की प्रिपरेशन भी बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में जो TGT का एग्जाम होगा उसके लिए भी कंटिन्यू रहेंगे और प्रयास करेंगे कि TGT के लिए टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाए और आप लोगों का टॉपिक वाइज आपका लाइव टेस्ट हो, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे और बेहतर से बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 100, 100 का करेक्ट आंसर होगा, ये देखिए क्या है क्वेश्चन, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट अंकित कॉमा सो लेट्स कॉल इट अ ईयर।
क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉल इट डे, कॉल इट अ डे इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। सो फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर बताइए प्लीज, आज का सबसे ज्यादा स्कोर किसका है प्लीज एक मैसेज सेंड कीजिए और बताइए कि आपका करेक्ट कितना स्कोर हुआ, ग्रामर में और लिटरेचर में आपका कितना स्कोर हुआ। जल्दी से फ्रेंड्स जल्दी से बताइए आप मुझे कि आपका स्कोर कितना हुआ। कोई बात नहीं मेघा जी, टीजीटी की प्रिपरेशन भी बिल्कुल करवाएंगे बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन छूट गए स्टिल 72 फिर भी बहुत अच्छा है, और आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कंटिन्यू रहिएगा, और ये तो लगभग आपका 15-16 डेज से ही कंटिन्यू टेस्ट हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों का लाइव टेस्ट कंटिन्यू रखें। अमृता जी मैं 2016 के लिए अप्लाई नहीं किया है, कोई बात नहीं अमृता जी आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रखिए और जब नेक्स्ट टाइम फॉर्म आएंगे तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी आपके टीजीटी में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, टीजीटी में मुश्किल से 4 ही राइटर हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर के आऊँ। इसके अलावा ओके इसके अलावा आप लोग टेस्ट लाइव टेस्ट भी दीजिएगा और टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कीजिएगा जो भी टीजीटी के लिए आए, तो कंटिन्यू रहिएगा प्रिपरेशन बढ़िया होगी। 75 आरती जी ने पाया है 80 में, और अमृता जी ने 30, 15, 50, 45 आई थिंक पूरा सॉल्व आप लोग शायद आप नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि अभी और अच्छा होने वाला है। कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है कि अगर एक नंबर से नहीं हो पाया, दो नंबर से नहीं हो पाया, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब आधे दूर तक दौड़ लगा लो इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ और पूरा हो जाता है। बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग, अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन रखिए, आप लोगों का एक नंबर से दो नंबर से अमृता जी नहीं हो पाया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 100% हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन तो होकर रहेगा, सिलेक्शन तो होगा ही बिल्कुल निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, लाइव टेस्ट से कंटिन्यू रहिए, और आप लोग बिल्कुल अच्छा समय आप लोगों के साथ में रहेगा। मेघा जी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत रहें। सो फ्रेंड्स चलिए हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ, और ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल।